हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज योर कोर्स इंस्ट्रक्टर आसिफ जावेद। आई वेलकम यू बैक टू सी अलतीफ्स एकेडमी एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिलिमिनरीज टू वेक्टर स्पेसेस के बारे में कुछ डिस्कस किया था। बात हुई थी लास्ट लेक्चर में इंटरनल कंपोजिशन की, बात हुई थी एक्सटर्नल कंपोजिशन की, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, ग्रुपॉइड की, सेमी ग्रुप की, मोनोइड की, और ऐसे ही होते होते हमने ग्रुप पढ़ा था, एबिलियन ग्रुप पढ़ा था, रिंग के बारे में बात की थी, और रिंग से होते होते फाइनली हमने करार कहाँ पे किया था, फील्ड पे। तो ये सब चीजें ना मैं आपको थोड़ा सा आज फिर से इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या सर हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड होता है या हर ग्रुपॉइड जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए, जहां तक ग्रुपॉइड का ताल्लुक है, ग्रुपॉइड तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली वो चीज होती है जिसका जिसमें कम से कम एक बाइनरी, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का होना एक नॉन एम्प्टी सेट के लिए, जब उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन हो तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हर ग्रुपॉइड जो है क्या वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? ऑब्वियसली हर ग्रुपॉइड एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हर ग्रुपॉइड में बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब बात आती है कि क्या हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड होगा? हर ग्रुपॉइड जो है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। क्या हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड होगा? ऑब्वियसली वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप बेसिक जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुपॉइड ही होता है, और उससे ऊपर आप चाहे सेमी ग्रुप ले लें, चाहे आप मोनोइड ले लें, चाहे आप ग्रुप ले लें, चाहे आप रिंग ले लें, चाहे आप फील्ड ले लें, तो बेसिकली ग्रुपॉइड तो है ही ना वो। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप लेंगे, एटलीस्ट वो ग्रुपॉइड तो है। तो इसका मतलब हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुपॉइड होगा। सपोज दिस इज ओके। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम internal and external composition, and we finally I must say not internal and external composition, internal or external composition एक हम vector spaces के context में हम उसकी बात करेंगे। मैं असल में ये कह रहा था कि हमारी शुरुआत हुई थी कहाँ से, binary operation से, और binary operation से होते हुए algebraic structure की बात की, फिर groupoid, और होते होते हम कहाँ पहुँचे, field। तो कैसे हम पहुँचे उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। It is quite an interesting story. Let me repeat it for you guys so that you can recall the things properly, and this story you will not forget in your life. So just have a look at this story. सबसे पहले बात करते हैं फिर से external और internal composition की। External और internal composition। देखो, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि in external में कुछ बाहर से कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम आउटसाइड, और इंटरनल मतलब वी आर डूइंग समथिंग विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ समथिंग। तो बात जब होती है इंटरनल कंपोजिशन की, तो उसमें हमारा सेट एक ही होता है, किसी एक ही सेट पे हम इंटरनल कंपोजिशन की बात। तो जैसे कि एक स्टूडेंट ने बड़े ही ब्यूटीफुली सम अप किया था, आई थिंक आयशा अबू बकर, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको बताया था कि क्या सर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे इंटरनल कंपोजिशन अगर स्टार है तो दिस इज ये कैसा फंक्शन है, कहां से कहां, ए इंटू ए से लेकर ए तक का, ठीक है, और इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हो, ठीक है, वही आपका इंटरनल कंपोजिशन होता है। दूसरा मान लो मैं हैश लेता हूं, ए इंटू बी को जो कहां पे ले जाए, ए पे ले जाए या बी पे ले जाए। अगर ए पे लेता है तो हम कहेंगे दिस इज एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन ए, अगर बी पे ले जाए तो हम कहेंगे दिस इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन बी। ठीक है, देखो ना, अगर आप ए पे एक्सटर्नल कंपोजिशन ले रहे हैं, इसका मतलब ए पे आप एक्सटर्नली इन्वेजन हो रही है बाहर से, कहां से, एलिमेंट ऑफ बी की, बट स्टिल यू आर सेफली लैंडिंग इनसाइड ए। सो दैट मींस दिस इज कंपोजिंग, दिस इज एक्चुअली प्रिजर्विंग, एलिमेंट्स आर नॉट गोइंग आउटसाइड ए, दे आर रिमेनिंग विद इन ए, इवन इफ दे आर इन्वेडेड बाय एलिमेंट ऑफ सम डिफरेंट सेट। और बी के केस में भी आप देखिए कि अगर वो ए के एलिमेंट्स पे इन्वेड करें तो स्टिल आपके जो एलिमेंट्स हैं, यू आर सेफली लैंडिंग इनसाइड बी, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन बी होगी। ओके, इन पे इतनी ही बात करते हैं, थोड़ा सा हम क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमने अपना अपना जर्नी जो है शुरू किया था। सबसे पहली बात मैंने आपको ये कही थी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है,
यू गिव मी वन बाइनरी ऑपरेशन, यू गिव मी वन बाइनरी ऑपरेशन और इंटरनल कंपोजिशन। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के साथ है तो वो सेट क्या बनेगा, दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो क्या बनेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब होगा क्या, ये जो आपका सेट है नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, अगर सिर्फ इतना ही इसके पास हो, देखो ना हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोगों की इनकम का लेवल एक होता है, कुछ का दूसरा होता है, कुछ आपके पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ मिडिल क्लास से होते हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास से होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ इलीट होते हैं। सो तो दैट मीन्स देयर आर क्लासेस इफ वी स्पीक इन इकोनॉमिक सेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मिनिमम कितना हो, सिर्फ इतना हमारे पास हो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास बाइनरी ऑपरेशन है, दैट्स इट, तो उसको हम कहेंगे ग्रुपॉइड। तो देखो प्रॉपरली हमें पता चला दिस इज ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड में देखिए बेसिकली मैं इसको मैथमेटिकली ट्रीट करूंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। लेट मी मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग। चलिए ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट प्लस सपोज बाइनरी ऑपरेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज सम कंपोजिशन, तो ये क्या बन गया आपका ग्रुपॉइड। क्लियर है, ग्रुपॉइड में आप क्या ऐड कर रहे हो, एसोसिएटिव, मतलब ये वाला ऑपरेशन जो इसके साथ था ये क्या हो जाए, एसोसिएटिव अगर हो जाए। अब ये नहीं कहना कि सर एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब ए कंपोज बी कंपोज सी इज इक्वल टू ए कंपोज बी कंपोज सी, ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी इन ए। तो अगर ग्रुपॉइड प्लस एसोसिएटिव है तो ये बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में अगर एक प्रॉपर्टी आ जाए आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी जब मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली अंडर दिस ऑपरेशन, अब ये भी नहीं कहना सर कि आइडेंटिटी क्या होता है, ये आप ये चीजें आपको बेसिक पता है, वी आर नॉट बी टचिंग दीज बेसिक थिंग्स। सो सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी जो है ये आपका बन जाता है मोनोइड। अब मोनोइड में अगर क्या हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये बन जाएगा ग्रुप, बन जाएगा ग्रुप। और ग्रुप में अगर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए, कमोटेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए, कमोटेटिव ऑब्वियसली अंडर दिस ऑपरेशन, तो ये बन जाएगा एबिलियन ग्रुप, क्या बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। अब ये एबिलियन ग्रुप अगर आपके पास एक मान लीजिए एक सेट आर है और वो अंडर एडिशन क्या है, अंडर एडिशन दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, और वो जो मैं स्ट्रक्चर आर ले रहा हूं उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन, एक आर है और एक डॉट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सेमी ग्रुप है, दो कंडीशंस हो गई। प्लस 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 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये नहीं पूछना मुझसे लेफ्ट और राइट क्या होता है, चलो बता देता हूं, जैसे ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, या ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। क्या कह रहा हूं मैं, ये आपका स्ट्रक्चर था अंडर एडिशन, ये का बिलियन ग्रुप है, वो क्या है, वो पीछे से हमने पूरा देख लिया क्या होता है बिलियन ग्रुप, और साथ में उसमें क्या हो, आर अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप हो, और ये दो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिंग। इसे क्या कहते हैं, रिंग। आप बच्चे चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम रिंग पे पहुंचे। अब ये जो रिंग है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए रिंग। हमने कहा कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये सिर्फ सेमी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, सेमी ग्रुप है, मतलब एक तो आपका मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है और दूसरा मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव। अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं कि मल्टीप्लीकेशन के अंडर इसमें आइडेंटिटी भी है, क्या है, आइडेंटिटी भी, जिसे हम यूनिटी कहेंगे, तो फिर ये बन जाएगी आपकी, फिर अगर ऐसा हो जाए अंडर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टी एडिशनल सेटिस्फाई हो जाए तो ये बन जाएगी रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, मतलब हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को ही यूनिटी कहते हैं। और अगर साथ में ये अंडर मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव भी हो जाए,
क्या हो जाए कम्यूटेटिव, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब एडिशन के केस में तो ये ऑलरेडी है क्योंकि वो एबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर ये कम्यूटेटिव भी हो जाए तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स यू कैन मेक, ठीक है बच्चे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो ये हो गया। अच्छा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में एक प्रॉपर्टी को और ऐड कर दीजिए आप, प्रॉपर्टी कौन सी ऐड कर दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अंडर एडिशन जो मल्टीप्लीकेशन है आप क्या ऐड कर दीजिए, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, या मैं शॉर्टकट में कह सकता हूं कि आर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एन एबिलियन ग्रुप, दिस इज अगेन एन एबिलियन, ऐसा कहना सही है, ऐसा कहना सही भी नहीं है बिकॉज ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दीजिए कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए कि इसमें कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, ऐसी रिंग को हम कहते हैं फील्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फील्ड। तो उम्मीद करता हूं कि यह सफर आपको काफी अच्छा लगा होगा, जो ग्रुपवाइड से शुरू हुआ था और कहां पे जाके कल्मिनेट हुआ, फील्ड पे। तो ये होता है बच्चे आपका फील्ड। सो फील्ड क्या है, दिस इज एनी रिंग अंडर दीज टू ऑपरेशंस, दिस इज फील्ड, इफ दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी in which every non-zero element has a multiplicative inverse, that is called as a field, और इसको हम R को फिर F लिखेंगे, F मतलब ये field की बात कर रहे हैं, ठीक है, okay? अब अगर इस field से एक property में ले लूँ, इस field से मैं एक property minus कर दूँ, कौन सी, commutativity वाली, मतलब ऐसा कहूँ कि commutativity में इसमें से minus कर दूँ, अब ये field नहीं रहेगी, इसका एक अलग से नाम होता है, that is called division ring, इसे हम क्या कहेंगे, division ring, ओके फाइन। अभी फील्ड का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा इनकल्केट किया है, इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इन डिफाइनिंग द वेक्टर स्पेस। तो बच्चों वेक्टर स्पेस क्या होता है, अब आप बोलोगे सर वेक्टर स्पेस क्यों पढ़ना है, तो मैं कहूंगा इसलिए पढ़ना है क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, आप बोलोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ना है, मैं कहूंगा इसलिए पढ़ना है क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का हाफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, आप कहोगे से फिर मैट्रिसेस क्यों पढ़ना है, बिकॉज देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस एंड दिस इज व्हाट मेक्स लीनियर अलजेब्रा, सो लीनियर अलजेब्रा इज नथिंग आउटसाइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। सो चलिए शुरू करते हैं हम वेक्टर स्पेस। अब जो बच्चे फील्ड होती है ना, फील्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती है, ये फील्ड आर जो आपका रियल नंबर सिस्टम है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए फील्ड, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए फील्ड, ठीक है, ये सब के सब फील्ड्स हैं, ये सब इनफाइनाइट फील्ड्स हैं, और जेड पी जो मैंने आपको जेड एन एन को जब पी लेते हैं अंडर एडिशन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी, एक फाइनाइट फील्ड होती है, इसमें पी एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी याद रखिए कि दिस इज ए फाइनाइट फील्ड। चलिए बात करते हैं जनरेशन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी सेट है या किसी वी के अंदर कोई, आई थिंक दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू द थिंग्स, we should have done vector space first, why to do this first, isn't it, yeah, so vector space sabse pehle kiya jaye, theek, let v be a set of elements, kya hota hai vector space, aapke paas ek set of elements hai, matlab ek non empty set hai jiske andar ek internal composition hai addition aur external composition hai multiplication, theek hai, तो अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे ये नॉन एम्प्टी सेट, तो हम इसे वेक्टर स्पेस कहेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, ये नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई करना चाहिए कि अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर एडिशन ये नॉन एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी फील्ड के एलिमेंट को, देखो वेक्टर स्पेस जब भी हम डिफाइन करते हैं तो वो किसी फील्ड के ऊपर हम डिफाइन करते हैं,
यानी फील्ड का कोई भी एलिमेंट अगर इन्वेड करेगा वेक्टर स्पेस पे, मतलब फील्ड के किसी भी एलिमेंट को अगर मैं वेक्टर, मैं अभी इसको वेक्टर स्पेस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये वी जो नॉन एम्प्टी सेट है, इसके किसी भी एलिमेंट को अगर मैं फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी वी में होना चाहिए। और इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि एफ इन टू वी गोज टू वी फॉर ऑल अल्फा इन एफ, अल्फा टाइम्स एक्स शुड बी इन वी वेयर एक्स इज इन वी। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो क्लोजर अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसी तरह से कोई भी आप फील्ड का एलिमेंट ले लें और कोई भी दो एलिमेंट आप वेक्टर स्पेस के ले लें, तो अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। इसी तरह से कोई भी दो एलिमेंट्स आप फील्ड के ले लें और वेक्टर का एलिमेंट ले लें, तो अल्फा प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। इसी तरह से आप अल्फा बी अल्फा इन इनटू बी इनटू एक्स ले लें, दिस इज सेम एज अल्फा इनटू बी इनटू एक्स। और इसी तरह से आपको जितने भी एलिमेंट्स वेक्टर के हैं, सॉरी मैं वेक्टर फिर से कह रहा हूँ, अभी तो नहीं ना है, कोई भी एलिमेंट अगर वी का है इस नॉन एम्प्टी सेट का, तो आपको एक वन भी मिलना चाहिए। कहाँ से? फील्ड से मिलना चाहिए, कि जब हम किसी भी एलिमेंट ऑफ वी को उस वन के साथ जो कि यूनिटी होगी आपकी उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करें, तो वी शुड गेट बैक दैट वेक्टर एक्स। That means there should exist one inside field such that one into x is equal to x and this is true for all x. तो अगर ये properties satisfy हो जाती हैं, तो क्या कहते हैं हम बच्चों? हम ये कहेंगे कि वो non-empty set under internal composition and external composition क्या बनाता है? Vector space। चलिए एक example दे देते हैं आपको। ये रही example। R2 ले लीजिए आप, non-empty set AB। Where AB belongs to R, तो clearly you can check that this V under addition is an abelian group. कैसे है abelian group? सर हमें बताइए। बता देता हूँ आपको इसमें क्या है। ले लीजिए ना कोई भी दो एलिमेंट्स आप इस V के, सपोज A1 B, AB और CD ले लीजिए। AB प्लस CD करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस CB प्लस D। अब AB कहाँ से आ रहा है? R से। A प्लस CB कहाँ से आएगा? R से, because R खुद में क्या है? एक फील्ड है, तो फील्ड है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो ए प्लस सी भी आर में है, बी प्लस डी भी आर में है। यदि पहला कंपोनेंट भी आर से आए, दूसरा कंपोनेंट भी आर से आए, तो हम क्या कहते हैं? वो कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ से आएगा? आर टू से। तो दैट मींस इनका सम भी आर टू से आ रहा है। इसी तरह से आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन को भी देख लीजिए कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा ए और अल्फा बी, ये भी आर से आएंगे, तो कुल मिला के अल्फा इंटू ए बी भी आर से आएगा, तो आर टू से, सॉरी आर टू से आएगा, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन हो जाएगी। रही बाकी प्रॉपर्टीज, सो दिस इज जस्ट अ मेयर फॉर्मेलिटी, यू कैन चेक दैट ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेटिस्फाइड। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे आपको कि यहाँ पे हमने फील्ड क्या ली है? आर। फील्ड हमने आर ली है यहाँ पे, यहाँ पे हमने फील्ड क्या ली है? ठीक है, तो अगर हम देखिए गौर से देखना, यहाँ पे जब हमने आर वी डिफाइन किया है आर टू, तो ए बी कहाँ से लिए हैं? आर से। यहाँ पे हम वी को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। गलती से आर टू लिखा गया है, दिस क्यू टू। तो अगर यहाँ पे फील्ड हम आर लेंगे तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी। क्यों नहीं वेक्टर स्पेस बनेगी? देखना, यही चीज देखने वाली है यहाँ पे, गौर से देखना। क्योंकि हमें चाहिए क्या, जब भी हम कोई भी एलिमेंट फील्ड से ले लें, है ना, और उसको हम किसी भी उस जिसको हम वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं उसके किसी एलिमेंट से भी ले लें, तो वो किस में जाना चाहिए? वी में। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज हम एक्स लेते हैं, क्योंकि सपोज मैं एक्स लेता हूँ 1, 2, है ना, ये वी में बिल्कुल है, बिकॉज 1 भी रैशनल नंबर है, बी 2 भी रैशनल नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी एलिमेंट ऑफ आर के साथ। सपोज मैं आर का एलिमेंट लेता हूँ √3, इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, √3, दिस इज 1, 2, यह हो जाएगा √3, 2√3। अब मुझे बताइए क्या ये V में बिलोंग करेगा? V में तो जब बिलोंग करता है ना, जब ये भी आपका Q में होता और ये भी Q में होता, लेकिन ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसका मतलब ये V में नहीं जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो आपका V है दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। तो यहाँ पे अहम चीज आपको ये पता चले कि दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। बेसिकली इसमें सुपर फील्ड और सब फील्ड का पंगा रहता है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस को, तो हमने यहाँ पे सब फील्ड ली थी और फील्ड हमने क्या ली थी? सुपर फील्ड। तो वेक्टर जो है, कोई भी, देखिए गौर करने की बात यह है
कि कोई भी आपकी जो सुपर फील्ड है, सुपर फील्ड तो होगी वेक्टर स्पेस अवर सब फील्ड, ठीक है, लेकिन कोई भी सब फील्ड अपनी सुपर फील्ड के ऊपर कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती। यहाँ पे यही गलती हमने की थी, हमने यहाँ पे सब फील्ड ली थी और वहां से फील्ड हमने सुपर फील्ड ले ली जिसके ऊपर हम इसको देखना चाहते हैं, इट कैन नेवर बी ए वेक्टर स्पेस। क्लियर है, बात समझ आ रही? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच।